छपारा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला अचामा गांव के निवासी शिक्षक मृतक जमुना प्रसाद साहू के परिजन एवं गांव वाले आज छपारा थाने में शव को लेकर पहुंचे। मामला थाना छपारा के अंतर्गत आने वाले ग्राम मड़वा का है, जहां मृतक जमुना प्रसाद साहू गुरुवार के लगभग शाम 6 बजे अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल बंद करके छपारा की ओर आ रहे थे, तभी एक दिव्यांग व्यक्ति उनकी मोटरसाइकिल से टकरा गया। हालांकि दिव्यांग को कोई चोट नहीं लगी, बावजूद इसके दिव्यांग के पिता दशरथ डेरिया के द्वारा बावजूद इसके शिक्षक जमुना प्रसाद को बेरहमी से पीटा गया। वहीं गांव वालों की सहायता से शिक्षक को 108 की सहायता से छपारा अस्पताल भिजवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिवनी रेफर किया गया, जहां उन्होंने सिवनी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कल दिनांक 21/10/2021 को जमुना प्रसाद साहू जो सुकरी ग्राम में टीचर है, वो अपने वहां से घर ललमटिया आ रहे थे और मड़वा के पास इनका मिथिलेश नामक लड़के से एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से और दोनों उसमें घायल हो गए थे। घायल होने के बाद दोनों को 105 से अस्पताल लाया, जहाँ से रिफर किया गया जमुना प्रसाद जी को वहाँ सिवनी में, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में थाने पर मिथिलेश की रिपोर्ट पर अपराध कायम किया 237 के तहत मृतक जमुना प्रसाद साहू के विरुद्ध। और चूंकि जमुना प्रसाद साहू मृत हो गए हैं तो उन पर मर कायम किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। कहां से आए? छपारा से। पूरा मामला क्या है बताएं? पूरा मामला ये है कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पिताजी को कहीं कोई चोट नहीं थी और चोट ना होने के कारण और वो सामने वाले लड़के को थोड़ी सी चोट लगी तो मेरे पिताजी ने हाथ जोड़े पैर जोड़े, उसके बावजूद लड़के के बाप ने मेरे पिताजी के ऊपर पीछे से वार किया और उसके पूरे परिजन ने मेरे पिताजी को मारे और उसके बाद फिर मैंने यहाँ हॉस्पिटल लेके आए और उसके बाद सिवनी रेफर किया गया तो रास्ते मेरे पापा जी ने मेरे को बयान दिए कि ऐसी ऐसी घटना है और उन लोगों ने मेरे को मारे। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि रात में 3 बजे आया था तो मेरे को संजय ठाकुर जी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की और उन लोगों की रिपोर्ट दिखाकर मेरे को वापस कर दिए और बोले कि जाइए आप, बोले अभी कोई सुनवाई नहीं होगी आप जाइए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई।